ठेकेला कर रहे हैं पूरा कभी ना माना कि हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल गुड़िया फैमिली ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी अभी ठीक नहीं हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हमें खुद ही करने पड़ते हैं। और ये मेरी बिटिया रही मेरी चाय लेकर। कल तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। रात को मैं हॉस्पिटल गई दिखाने, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, इमरजेंसी हालत हो गया था। तो मैं रात को हॉस्पिटल गई, दिखा के आई 8-9 बजे रात में। और अभी भी मुझे तबीयत ठीक नहीं लग, कमजोरी वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। लेकिन कुछ काम होता है ना दोस्तों जो आपको खुद करना पड़ता है, कितना भी कोई कर ले, लेकिन वो काम एक दो चीज़ ऐसे होते हैं जो लेडीज़ को खुद करना पड़ता है। लाइक किचन का काम था, जैसे किचन साफ़ करना था, तो मैंने सब बैठ के डब्बा डुब्बू धो दिया, क्योंकि वो ना ऐसे धोने में नहीं बनेगा जेंट्स लोग को। बाकी साफ़ सफाई सभी मेरे पतिदेव मिल के कर लिए, और मैं डब्बा उब्बा धो ली हूँ। अब मेरा काम हो गया ख़त्म, मुझे मेरे रूम का कबर्ड साफ़ करना है, तो वो मैं बैठ जाऊँगी, बेटी पकड़ाते जाएगी। हो गया कि दिवाली है, साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, तो इसलिए मुझे करना पड़ गया। तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, आप लोग फेस से देख के पता कर सकते होंगे, बिल्कुल भी सही नहीं है। मुझे फीवर इतना 3 दिन से इतना ज़्यादा फीवर था कि मेरी आँख नहीं खुल रही थी। मैंने पोस्ट जो लगाया वो रियल पोस्ट था, वो परसों का ही था, कल का पोस्ट परसों का पोस्ट था। बेटी पट्टी कर रही थी, रात रात भर जग के पट्टी की है वो, दिन में भी पट्टी की, बहुत तेज़ फीवर था। और अभी थोड़ा सा कम हुआ, तो जैसे पता है कि फीवर जब कम होता है ना तो इंसान को कमजोरी बहुत ज़्यादा लगता है, तो वही मुझे हो रहा है। लेकिन अब मेरा काम है किचन का, थोड़ा सा बैठ के, बस मैं बैठ के वहाँ डब्बा ही साफ की, बाकी सारा मेरे पतिदेव बेटी मिल के कर लिए। तो चलिए, अभी अभी बज गए हैं 8:30, और साफ सफाई में लगे थे ना, तो अभी अब चाय मैं पी रही हूँ। ये देखिए चाय मेरा आ गया, आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे चाय पीने के बाद, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ये है दोस्तों, लगा हुआ है मेला बिष्टुपुर में, गोपाल मैदान में, और ठीक ठाक ही है। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, और मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, बस हाँ ठीक ठाक है। मैं ऐसे ही हॉस्पिटल गई थी, तो घूमते घूमते चली गई, तो चूड़ी देख रही थी कि मैं अपने साइज का, बट छोटे छोटे साइज के थे, तो एक दो मिला तो मैं ले ली। और मुझे कुछ उतना पसंद नहीं आया। ये सब तुम दुर्गा पूजा में भी ऐसे सब मेले बाज़ार देखे हैं, फिर डिज्नीलैंड में भी देखे हैं, तो कुछ खास नहीं था, इस वजह से मैं कुछ शॉपिंग नहीं की। बस ऐसे ही थोड़ा सा मैंने देख लिया, बना लिया कि हाँ चलिए एक क्लिप छोटी सी ऐड कर दे रही हूँ इसमें। Thank you.
एवरीवन, किस स्पेशल चीज़ की तैयारी हो रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये देखिए आ चुका है, क्या आने वाला है, किसका है, तो ये सब कर दिए। बैलून कुछ लिए हूँ मैं, जिसके देखिए ना स्काई ब्लू है, और ये दो पैकेट है स्काई ब्लू का, ये पिंक है, ये भी शायद एक पैकेट है, और ये ना ये वाला रेड है, लाइट वाला रेड है, तो ये ना दो पैकेट रेड है, और इसमें ना 50 पीस होते हैं बलून। और ये देखिए ये गोल्डन है, उसके बाद ये देखिए प्रिंसेस का है, उसके बाद ये ले लिए हैं, क्या है बताइएगा। और ये है डबल साइड टेप, तो मैंने दो डब्बा लिया है। फिर ये लरी है कुछ, तो ये दो लरी मैंने लिया है गोल्डन कलर का। और ये कैंडल है, एक ये है, ये है, और ये है पेपर स्प्रे है, क्या बोलते हैं इसे, पार्टी पोपर है, तो ये बड़ा सा है देखिए। फिर ना ये डब्बा है, ये मिठाई के डब्बे हैं, और इसके साथ हाँ ये है ना, इसमें जैसे सब्जी वगैरह पैक करने के लिए, तो ये सारे सामान आ गए हैं। और आप लोग बताइएगा किस चीज़ की तैयारी करने वाली हूँ, और किस चीज़ की तैयारी शुरू हो चुकी है, और क्या है, किसका है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ये सारे सामान आज मैं लेके आ गई हूँ। और हमारे जमशेदपुर में ना एक स्वदेशी मेला बाजार लगा है बिष्टुपुर में, तो मैं दिखाने डॉक्टर के पास जा रही थी तो मेला देखा, थोड़ी सी चली गई, तो मैंने अपना क्या बोलते हैं वीडियो वाला मोबाइल तो लेके गई नहीं थी, बस ऐसे ही थोड़ा सा शूट कर लेते, क्लिप ऐड कर दी यहाँ पे, और मुझे कुछ खास नहीं लगा, जैसे मीना मतलब डिज्नीलैंड लगता है ना कुछ उसी टाइप का था, तो मुझे कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने कुछ शॉपिंग वहाँ से नहीं की, बस ऐसे ही घूमिए घूम के मतलब चली आई। तो ये सारा सामान आज हम लेके आए हैं, और अभी कुछ सामान बाकी है तो कल होगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आने वाला है, किसका आने वाला है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी सी। तो एवरीवन वेलकम बैक माय चैनल। तो एवरीवन मैं चली गई थी मार्केट, और मार्केट से मैं आ चुकी हूँ, और ये सब सारा सामान लेके आई हूँ। क्या है, किसका है, किस चीज़ की तैयारी चल रही है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो एवरीवन मार्केट से मैं अभी आ चुकी हूँ, और अभी बज गए हैं 5, और मैं निकली ही थी 3:30-4 बजे के अराउंड, क्योंकि बेटी आती है 2:30 बजे पढ़ के, तो अभी 5 बज गए हैं, और मैं मार्केट से शॉपिंग करके आ गई। किस चीज़ की तैयारी चल रही है, क्या है, क्या आने वाला है, किसका है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो चुकी है, और बाकी क्या है वो तो वीडियो में आगे आपको अभी नहीं बताऊँगी, आदमी बताऊँगी, सरप्राइज है। तो यही है, कुछ यही सामान आ चुका है, और अभी थोड़ी बहुत तैयारी है, बहुत जोरों से। तो एवरीवन अभी शाम के बज चुके हैं 5, आई थिंक 5:15 हो चुका है, मैं मार्केट से अभी आ गई शॉपिंग करके। किस चीज़ की तैयारी चल रही है, क्या है, किसका है, क्या आने वाला है, इसी वीक में है, तो आप लोग गेस करके बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और जोरों शोरों से तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, तो अभी तो ये थोड़ी बहुत तैयारी हुई, अभी बहुत सारी तैयारियाँ करनी बाकी है, तो इतना सारा हो चुका है। अभी कल हम जाएंगे फिर मार्केट, तो थोड़ी बहुत तैयारी कल करनी है। और हमारे जमशेदपुर में ना स्वदेशी मेला लगा हुआ है, तो कुछ खास नहीं था, मैं हॉस्पिटल जा रही थी, आज की वीडियो नहीं थी, कल का क्लिप है, कल मैं हॉस्पिटल जा रही थी ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, तो दिखाने जा रही थी ना तो मुझे दिख गया, तो मैं ऐसे ही उतर गई, और मैंने अपना वीडियो वाला फ़ोन नहीं लेके गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा छोटा सा कैप्चर कर लिया कि बस चलो इसी तरह डाल दूंगी। और सफाई भी शुरू हो चुकी, सफाई भी हमारा हो चुका दिवाली का, मेरे घर में ना दिवाली की सफाई, मेरा किचन बचा था, क्योंकि मैं नवरात्रा में सारा कुछ साफ़ कर दी थी, सब कुछ हो चुका था, बस किचन ही हमारा बाकी, तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा मैसी हो चुका था, क्योंकि जब एक लेडीज़ काम करती है ना तो वो सफाई रखती है, और जब एक जेंट्स काम करते हैं ना तो फिर, तो मेरी तबीयत ख़राब होने से मेरे पतिदेव जी ही ज़्यादा किचन में जाते हैं, तो इस वजह से जान सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, तो मैंने सारे डब्बे वे बैठ के मैं धो ली थी। मेरी तबीयत हालांकि बिल्कुल सही नहीं थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, क्योंकि आप चेहरा से भी देख सकते होंगे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी। तो फिर भी क्या है ना, कुछ काम ऐसे है ना जो आपको करने होते हैं और करना ही करना होता है, तो बस मैं वो बैठ गई थी, और लाडू रानी हमारी पकड़ाती गई, तो मैं सारे डब्बे साफ़ कर दी, जितना साफ़ करना सारा कुछ कर दी, और उसको सेट भी कर दिया है, थोड़ा बहुत बाकी है जो सेट कर दूँगी। तबीयत मुझे इतना फीवर आया ना कि अब मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, मेरे पैर भर जा रहे हैं चल रही हूँ तो, हाथ भर जा रहे हैं काम कर रही हूँ तो, लेकिन क्या है ना कि इसी में छठ पूजा है, इसी में दीपावली, इसी में मेरा दांत बहुत जोर का दर्द कर रहा है, आज मैं दांत दिखा के आई हूँ, एक इंजेक्शन लगा तब जाके मेरा राम है, इसको उखड़वाना है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि अब देखती हूँ फ्राइडे को उखड़वाऊँगी, क्योंकि कुछ स्पेशल आने वाला है, और उस स्पेशल में दांत लेकर ऐसे बैठूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा,
इस वजह से सोची हूँ फ्राइडे को उखड़वाऊंगी, लेकिन उखड़वाऊंगी क्योंकि निकलवा लूंगी तभी मुझे राहत मिलेगा। बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो सकता है, कंडीशन ख़राब हो सकती है दांतों की। आज एक्सरे वगैरह हुआ है तो डॉक्टर बोले कि आपको इसको जल्दी से निकलवाना ही होगा क्योंकि अंदर थोड़े से ना जख्म बन चुके हैं तो उसको दिक्कत हो जाएगी, तो इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, फ्राइडे को मैं इसको निकलवा लूँगी। तो आज के कुछ वीडियो इसी तरीके है, थोड़े बहुत मैंने क्लिप शेयर की है। मैं सोची कह दी, दो दिन से वीडियो जा नहीं रही क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी दोस्तों इस वजह से। तो तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, क्या आने वाला है बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले लेती हूँ इजाज़त। और हाँ, ज़रूर कमेंट कीजिए कि क्या आने वाला है, किसका है, किस चीज़ की तैयारी चल रही है, ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।